सत्र चल रहा है, आज बजट पेश होना है, लिहाजा तमाम जो पक्ष विपक्ष के विधायक हैं वो बिल्कुल तैयारी के साथ विधानसभा पहुंच चुके हैं। तमाम विधायकों से और इस वक्त हमारे साथ स्कूली शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, क्या उम्मीद करें झारखंड की जनता से? अरे झारखंड के हित में बजट आएगा। झारखंड आप ही के विभाग में ये आरोप है कि आपने पूरा पैसा खर्च नहीं किया, सरेंडर करना पड़ा। ऐसा कोई बात नहीं, देखवा लीजिए ना, देख लीजिए ना, सबसे बेसिक मेरे विभाग में खर्चा हुआ है। मगर जो आंकड़े हैं वो बताते हैं, वो जो आंकड़े बताते हैं कि विधानसभा पिछले बजट से जो पैसा आवंटित हुआ था शिक्षा विभाग को, वो पैसा पूरा खर्च नहीं हुआ। हालांकि विभागीय मंत्री जगन्नाथ महतो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के मुखर भी हो रहे हैं। देखिए, तमाम जो बीजेपी के हों या पक्ष या विपक्ष के जो विधायक हैं वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और देखने की हमारी ये कोशिश होगी कि और लोगों से आपकी बात कराई जाए। पूर्व रिकॉर्ड ना हुआ है, इसको हम बैंड कर दिया, नाप लिया है। कमलेश जी, कल भी आपसे बात हुई थी, आज झारखंड की जनता आप लोगों की सरकार से क्या उम्मीद करे, क्या उम्मीद करे, बजट में क्या रियायत मिलेगी, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के वजह पूरे विश्व में कहीं ना कहीं इतना ही मचा हुआ है। देखिए, जो अभी पूरे विश्व में झंझट चल रही है और लड़ाई चल रही है, इससे तो निसंदेह कोई भी सोच माने जो अभी सभी लोग जानते हैं कि महंगाई बढ़ेगी और हर चीज़ महंगा होगा, क्या कि स्थिति पूरे देश की ठीक नहीं है। तो इसमें तो देखिए, आज बजट भी हमारे वित्त मंत्री जी पेश कर रहे हैं, लेकिन हमको पूरा उम्मीद है कि इसे बजट जो है संतुलित होगा और सभी मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर। थोड़ी देर पहले झामुमो के जो विधायक है, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए थे, बोल रहे थे हमको 1932 का खतियान चाहिए, नियोजन नीति चाहिए, भाषा पर विवाद खत्म चाहिए, ये अपनी सरकार के खिलाफ बैठने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? किसी भी चीज़ का जो भी चीज़ है उचित जो समय होता है वह मांग होता है, और यह जनता की मांग है कि इस पर सोच समझ कर निर्णय लिया जाए, इससे किसी भी व्यक्ति को जो झारखंड में रहने वाले उनको दुख और तकलीफ ना। कट ऑफ डेट 1932 होना चाहिए, इसके हिमायती है? नहीं, हम इसका अभी जो है जो विषय बिंदु पर आया है इसका हम सोच समझ कर बोलें, लेकिन ऐसा नहीं होनी चाहिए। इस तरह से नहीं होना चाहिए ताकि किसी तरह का कोई विवाद उत्पन्न ना हो। आपने सुना एनसीपी के जो विधायक हैं कमलेश सिंह, उन्होंने कहा कि पार्टी के स्तर पर इस बात की विचार विमर्श की जा रही है कि क्या सभी वर्गों के लिए सर्वमान्य हो पाता है, सभी लोगों के लिए एक्सेप्ट हो पाता है। तो ये देखिए,
तमाम जो विधायक हैं वो एक एक करके अब सदन की तरफ चले गए हैं और बजट अब पेश होना है, लिहाजा तमाम लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जनता के हक में बजट को पेश किया जाए। तो हमारी अभी तमाम जो विधायकों से, पक्ष के विधायक हों या विपक्ष के विधायक हों, तमाम लोगों से बात करके एक रूपरेखा और एक तस्वीर आपके सामने पेश करने की कोशिश थी। झारखंड में आज के दिन सदन के दौरान, सत्र के दौरान किन बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि आज सबका सबसे बड़ा दिन है और बजट का दिन है, बजट में क्या कुछ खास होगा। तमाम जो पक्ष के विधायक है वो जनता की बातें कर रहे हैं, विपक्ष कह रही है कि वो ये सरकार है जो पिछले बजट की राशि भी खर्च नहीं कर पाई है। ये तो आरोप प्रत्यारोप की बात हुई, लेकिन एक बात तो बिल्कुल सच है, अगर बजट में जनता की बातों को या जनता की उम्मीदों पर अगर खरा नहीं उतरती है यह बजट, तो कहीं ना कहीं एक नाउम्मीदी या निराशा जरूर लगेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि आज के बजट में जनता के हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज़।